में कह रहे हैं द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 × 10⁻¹. मतलब हाइड्रोजन के इनर मोस्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है वो है 5.3 × 10⁻¹. तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी ये हमें बताना है. ठीक, तो देखो रेडियस क्या होती है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड. ठीक, और एक और फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू 0.529 या 53 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेशन × 10⁻¹ एन स्क्वायर बाय जेड भी होता है डायरेक्ट फॉर्मूला. तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें भी रख सकते हो, एन की जगह रख दो, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है 3 रख दो, जेड की जगह 1, सॉल्व करके आ जाएगा आपका 4.77 angstrom. ठीक ना, अगर डायरेक्ट रखना चाहो 10⁻³ ये मीटर में है तो आप ये भी रख सकते हो 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, अगर ये फॉर्मूला याद है तो. ठीक, और एन की जगह रख दो कितना 3, जेड की जगह 1, सॉल्व करो 4.77 आ गया. अब देखो एक ये याद रखते आर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड. ठीक, तो इसके बाद क्या करिए, सेम ऑर्बिट के लिए सॉरी सेम एटम के लिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आर वन बाय आर थ्री इक्वल टू एन वन बाय एन थ्री का होल स्क्वायर. अब आर वन कितना दे रखा है 5.3 × 10⁻¹ डिवाइडेड बाय आर थ्री कितना, आर थ्री तो निकालना है हमें, ये हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, बोले तो 1/9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेजो, आर थ्री को उधर उधर भेजो, तो आर थ्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 × 5.3 × 10⁻¹ या 47.7 × 10⁻¹ या 4.77 × 10⁻¹⁰ मीटर, या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो 4.77 angstrom. तो ये रेडियस हो जाएगी थर्ड ऑर्बिट की 4.77 angstrom.